तो मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल तो लेखादमी और आपके इस प्लेटफॉर्म पर, यहाँ जहाँ पर आप YouTube पर ये क्या कहते हैं, जहां पर आप ये क्लास कर रहे हैं ऐप में, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास दो क्लासें केवल भक्ति काल पर हुई हैं और भक्ति काल पर ये दोनों जो क्लासें हैं केवल उसकी पृष्ठभूमि को तय की है कि भक्ति का उदय कैसे हुआ, भक्ति के संदर्भ में विद्वानों ने कौन कौन से कथन कहे हैं। और दोनों क्लास आधे आधे घंटे की नहीं है, दोनों क्लास डेढ़ घंटे एक घंटे के ऊपर की है। तो डेफिनेट है कि आपने सिर्फ पृष्ठभूमि, अभी भी भक्ति काल की शुरुआत नहीं हुई, तीसरी वीडियो में और तीसरी क्लास में आ गए। चलिए शुरुआत करते हैं आज का। और हेडिंग आप क्या डालेंगे, फटाक से लिखिएगा क्या हेडिंग डालिएगा। हेडिंग डालना है आपको क्या, भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में विद्वानों का कथन। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप समझिए LT कंबाइंड कोर्स TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर एक साधे सब सदै इस तर्ज पर हम काम करने चल रहे हैं। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में विद्वानों के कथन क्या क्या रहे हैं, अब हम इस पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए यहां से हम लोग बढ़ते हैं सारी चीजों को देखने और सारी चीजों को बढ़ने। तो पहला ही देखते हैं, नंबर एक ताराचंद की बात करते हैं। क्या ताराचंद, चंद करें चंद्र नहीं, ताराचंद ओझा सबसे पहले अपने इतिहास ग्रंथ में भक्ति के उदय का कारण क्या, जी हां मुस्लिम संस्कृति का परिणाम माना है। किसका परिणाम माना है, जी हां ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ताराचंद ओझा ने सबसे पहले अपने इतिहास ग्रंथ में भक्ति के उदय का जो कारण है वो मुस्लिम संस्कृति का परिणाम माना है। यानी मुस्लिम संस्कृति ने जब अपनी पैठ भारतीय हिंदू जनता में बढ़ाने लगी तो हिंदू जनता को दूसरे धर्म के आए हुए लोगों के मन में जो अपने धर्म के प्रति इज्जत थी वो स्वाभाविक था भारतीयों में भी जगना। इस्लाम के धर्मावलंबी, इस्लाम मानने वाले लोग अपने धर्म के प्रति बहुत ही कट्टर थे और उसी पर परिपाटी को अपने धर्म के प्रति अथाह निष्ठा और श्रद्धा भारतीयों को भी देखने को मिली और उन्होंने उनसे सीखा कि अपने धर्म के प्रति कम से कम बेहतर सोच समझ और प्रेम रखना चाहिए। ये बात इससे परिलक्षित होती है, ताराचंद ने इस बात को कहा है। चलिए ताराचंद की बात हो गई, अब देखिएगा ताराचंद की इसी मत को और बल देते हैं कौन कौन, डॉक्टर हुमायूं जी हैं, वो भी इसी ताराचंद ओझा की, इन्हीं ताराचंद ओझा की बात की प्रतिपुष्टि करते हैं। और डॉक्टर हुमायूं के साथ साथ डॉक्टर कबीर की बात कर लें, डॉक्टर कबीर भी कहते हैं कि वास्तव में ये मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव से भक्ति जन्मी है। और इसके साथ साथ एक और हैं जिनको आप कह सकते हैं कि आबिद हुसैन साहब ने भी तो ये बात कही है। ये सभी लोग जो हैं मानते हैं कि जो भक्ति है वो मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव से जन्मी है। जबकि बात हम करें जॉर्ज ए ग्रियर्सन की,
जॉर्ज ए ग्रियर्सन की बात कर रहे हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, अब उनके हिंदी साहित्य के इतिहास क्या नाम है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये ग्रंथ है जो कि 1888 में लिखा गया। तो जॉर्ज ग्रियर्सन अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, ध्यान से सुनिएगा, इतिहास में भक्ति को, भक्ति युग या भक्ति के युग को स्वर्ण युग कहते हुए देखिए, भक्ति के युग को स्वर्ण युग कहते हुए इसके जन्म का कारण ईसाइयत को माना है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा कि ईसाइयतों की देन है भक्ति। इन्होंने कहा कि वो जो भक्ति युग है हिंदी का, जिसे स्वर्ण युग कहा जा सकता है, वो ईसाइयों की देन है। यह बात जॉर्ज ग्रियर्सन ने की। जबकि ताराचंद ने क्या कहा, इस्लाम संस्कृत के प्रभाव से हुआ। चलिए अब देखिएगा इनका या इनके, देखिएगा इनके बात के समर्थन में किनके, जॉर्ज ग्रियर्सन समर्थन में बेबर कीथ व विल्सन महोदय का मत महत्वपूर्ण है। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ही नहीं मानते, बल्कि बेबर भी कहते हैं, कीथ भी कहते हैं और विल्सन भी कहते हैं कि वास्तव में भक्ति का उदय निस्संदेह ईसाइयत की देन है। ये बात माना। अच्छा, इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप भक्ति का जन्म हुआ। इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप भक्ति का जन्म हुआ ऐसा माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और कौन माना ऐसा, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस बात को स्वीकार किया कि इस्लामी आक्रमण की जो प्रतिक्रिया हुई, जो उन्होंने शोषण किया, स्त्रियों के बलात् किए, सामाजिक परिवर्तन लाए, हिंदू जन को जीने के लिए विवश कर दिया, केवल मरने के लिए विवश कर दिया, जीवन में बिल्कुल कष्ट ही कष्ट डाल दिया, त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगे, अपने धर्म के प्रति उदारता कर दिया, तो उस धर्म के प्रति लोगों को जबरियन धर्म अपनाया, और इसके साथ साथ ना केवल जबरियन बल्कि इस्लाम के प्रति आकर्षण भी उन्होंने उत्पन्न किया, और कहा कि इस प्रकार से जनता त्रस्त होकर के भक्ति करने के ही मार्ग पर जा सकती थी, ऐसा उन्होंने कहा। चलिए यहां तक तो ठीक बात है, थोड़ा सा और देखिए यहां से चीजें और भी आगे बढ़ जाती हैं। जी हाँ, आइए थोड़ा सा और बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास ही भक्ति है। ऐसा मंतव्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि पागल हो क्या, ये भारतीयों की चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। तो जो चिंतन धारा भारतीयों के हृदय में दफन थी उसी का डेवलपमेंट, वो भी नेचुरल स्वाभाविक डेवलपमेंट, नेचुरल डेवलपमेंट यानी स्वाभाविक जो विकास है, हम उसी को एक नाम दिए जिसे भक्ति कहते हैं, बाकी तो पहले से ही था। ऐसा जो मंतव्य है, ऐसा जो मत है, उसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, याद रखना इस बात को। अच्छा, जब ये बात कहा तो ठीक ठीक समझिएगा, एक महोदय हुए जिनका नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध ने यह समझना होगा कि क्या कि भक्ति का जन्म ऐतिहासिक हिस्टोरिकल सोशलिस्ट सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों व कष्टों से हुआ मानते हैं। यानी जो मुक्तिबोध ये कहते हैं ऐसे नहीं भक्ति जन्मी, अगर हम इसके जन्म की ऐतिहासिकता और ऐतिहासिक एवं सामाजिक शक्तियों के रूप में, ऐतिहासिक और सामाजिक शक्ति क्या है, ऐतिहासिक शक्ति ये कि जब भारत में दूसरा राज्य स्थापित होने लगा, दूसरा धर्म आकर अपनी जड़ें व्यवस्थित करने लगा, दूसरे धर्म के लोग, दूसरे देश के लोग आकर भारत में जब अपनी जड़ें मजबूत करने लगे, ये ऐतिहासिकता थी। सामाजिक परिवर्तन क्या हुए, सामाजिक परिवर्तन ये हुआ कि समाज में इस्लाम के अनुयायियों को बहुत सुविधाएं मिलने लगी सामाजिक तौर पे, और जो इसके अतिरिक्त थे उनको कठोर दंड जैसे कर हुआ, विवाह हुआ आदि चीजों को जकड़ दिया गया। तो ऐतिहासिक और सामाजिक जो शक्तियां थी उसके रूप में, अब ये ऐतिहासिक और शक्तियां जब सामाजिक शक्तियां तोड़ने लगी जनता को, बिल्कुल निचोड़ने लगी, उस निचोड़ से जो दुख हुआ जनता को, उस दुखों व कष्टों से जो कष्ट दिए गए जनता को, उसी दुखों और कष्टों से वास्तव में भक्ति का जन्म हुआ, ऐसा कहा गजानन माधव मुक्तिबोध ने। तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने जब इस बात को कहा तो ठीक बात एक और समझते हैं डॉक्टर गुलाब राय भक्ति को पराजय की हानि का पूरक मानते हैं। तो डॉक्टर गुलाब कहते हैं भक्ति को क्या कहते हैं कि कहते हैं पराजय की हानि का पूरक है भक्ति, और जो कुछ भी हम हारे थे और उस हार को भुलाने के लिए हमने भक्ति करना शुरू कर दी, ऐसा गुलाब राय ने कहा। अच्छा, डॉक्टर रामविलास शर्मा का भी एक बेहतरीन कथन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने देखिएगा यहीं से बात पलट रही। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने क्या कहा गुलाब राय का आपने, अब रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन कहा है। क्या कहा है जरा समझेंगे, कह रहे हैं रामविलास शर्मा जी ये जो भक्ति आंदोलन उत्पन्न हुआ, भक्ति की तरफ लोगों को जो उन्मुख हुए, उसमें कारण है एक जातीय, मतलब पूरा भारत, जाति किसी जातीयता किसी जाति को नहीं कह रहा है, बल्कि रामविलास शर्मा ने यहाँ जातीयता जो शब्द है वो एक वैराट्य रूप में लिया है, एक बड़े रूप में इसको स्वीकारा है। जातीय शब्द अब होता किसके लिए है, जैसे आपने सुना होगा जातीय शब्द तुलसी के बारे में भी सुना, त्रिपाठी और
रामस्वरूप चतुर्वेदी आदि ने कहा, वही बच्चन सिंह ने जाति कब विद्यापति को कहा। तो जातीय है क्या, जातीय के राष्ट्र, जातीय साहित्य और जातीय कवि के विषय में अगर हम बात करें तो जातीय कवि की पहले बात समझ ले। जातीय कवि वह कवि होता है जो अपनी रचनाओं से संपूर्ण एक बड़े जनादेश को अपने एक ही मार्ग पर चलने के लिए विवश कर दे और आकर्षित कर ले, तो उसे हम जातीय साहित्य करेंगे, जो एक पूरे कुनबे को, एक पूरे के पूरे समाज को एक दिशा दे रहा है। तो एक पूरे विश्व के किसी एक भूभाग पर एक साहित्य पूरी तरह से कभी अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से प्रभावित कर रहा है, तो उसे जातीय साहित्य या जातीय कवि कहा जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि जाति एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। ऐसा एक जातीय मतलब हिंदू ना समझना, हिंदू जाति नहीं तो धर्म होता है। एक जातीय का मतलब भारतीय लोग, एक जातीय शब्द यहां भारतीयता के लिए आई है। तो भारतीय लोग और जनवादी, और ये एक एक जनता के दुखों का आंदोलन था। ऐसा नहीं किसी कोई राजा इसका प्रतिनिधित्व कर रहा था, कोई बड़ा आदमी इसका प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं, प्रधान गांव में ये सब कोई नहीं कर रहा था, ये जनता का दुख था, जनता का आंदोलन था। तो ये एक जाति और जनवादी आंदोलन है, इसको डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने कहा। अच्छा, तो मित्रों यहां फिर से ताराचंद की बात आ रही है। ताराचंद जी ने अरबों के महत्व को स्वीकार या स्वीकारते हुए कहते हैं कि भक्ति का आगमन अरबों की देन है। यही बात तो पीछे भी गए, अगर आप यहां ठीक से समझें तो आप पाएंगे कि यहां पर भी इन्होंने, ताराचंद ओझा ने सबसे पहले कहा ही है कि मुस्लिम संस्कृति, और यही मुस्लिम संस्कृत के बाद यहां पर इन्होंने क्या कह दिया। जी हां, यहां पर इन्होंने कहा कि अरबों के महत्व को स्वीकारा और कहा कि भक्ति का आगमन जो है वो अरबों की देन है, ऐसा ताराचंद जी ने कहा। अच्छा, जब ताराचंद ने कहा कि भाई अरबों की देन है, वहां उन्होंने कहा इस्लाम संस्कृत की देन है, अब एक द्वंद्व यहां पर खड़ा होगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये होता रहता है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का भी दूसरा मत तो जान लेना जरूरी है। जॉर्ज ए ग्रियर्सन की बात कर रहे हैं, जॉर्ज ए ग्रियर्सन भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। अच्छा ठीक है, स्वर्ण युग कह दिया उन्होंने भक्ति काल को पूरे, चलो ये ठीक बात है, दोहरा उठा कोई दिक्कत नहीं, दोहराने से कोई समस्या नहीं उत्पन्न होती। लेकिन याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। भक्ति आंदोलन को, आंदोलन यहां पर ये देखिए, क्रांति को, भक्ति की जो क्रांति उठी थी उसको लोक जागरण की संज्ञा किसने दी, हजारी प्रसाद ने। तो वहीं पर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को, यहां देखें काल का मतलब समय में, भक्ति का जो समय है, जो पीरियड है भक्ति काल के, उस संपूर्ण काल को, अवधि को, भक्ति की जो अवधि है उसको रामविलास शर्मा ने भक्ति की अवधि को क्या कहा, भक्ति की अवधि को लोक जागरण काल नाम से पुकारा है।
यहां आंदोलन को केवल लोक जागरण कहा है, काल नहीं कहा है, यहां लोक जागरण काल यानी टाइम को, पीरियड को इन्होंने कहा। तो रामविलास शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये जो कथन है मिलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जहां आंदोलन को इंगित कर रहे हैं कि जो भक्ति का जो आंदोलन चल रहे थे, लोग अपने धर्म को के प्रति जो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, भक्ति की तरफ जो भाग रहे थे, ये जो आंदोलन था वास्तव में भक्ति आंदोलन ही लोक जागरण था। अब यही रामविलास शर्मा ने कहा कि जो लोक जागरण का जो भक्ति काल का समय है, उस समय को हम भक्ति हम लोक जागरण काल कह सकते हैं। उन्होंने लोक जागरण कहा, इन्होंने लोक जागरण काल कहा। तो ये दोनों में मूलभूत अंतर है। अब थोड़ा सा और हेडिंग डालते हैं। हेडिंग आप थोड़ा सा डालिएगा कि मध्यकालीन, हेडिंग तुरंत डालें क्या, मध्यकालीन वैष्णव संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक। अभी सिर्फ भक्ति काल की पृष्ठभूमि बना रहा हूं, भक्ति काल प्रारंभ नहीं हुआ। मध्यकालीन वैष्णव संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक, तो आप पहले तीन कालम बना लो होले होले, है ना, ऐसे इसको बना लिया। तो पहले में हम लिखेंगे आचार्य, आचार्य बना लें, और इसमें अगर आप चाहो तो लिख सकते हो ना कि क्रम बना लें। तो ये क्रम हो गया, आचार्य हो गए, और यहां पर हम संप्रदाय, कुछ उस आचार्य ने कौन सा संप्रदाय बनाया। और एक्चुअली पहले होता सिद्धांत है, जब कोई सिद्धांत आता है तब उसका संप्रदाय बनता है। तो पहले हम सिद्धांत ले लेते हैं, फिर जो गठित होगा वह संप्रदाय होगा। तो अब ये संप्रदाय बाद में आता है, सिद्धांत पहले आता है। तो क्रमांक, क्रम नंबर एक पर देखें तो ये जो आचार्य हैं, इसमें सबसे पहला नाम आता है आठवीं शताब्दी के शंकराचार्य का। शंकराचार्य पहले विद्वान थे जिन्होंने सिद्धांत दिया, और इनके सिद्धांत को वास्तव में कई नाम दिए गए हैं। कुछ लोग अद्वैतवाद कहते हैं इनके सिद्धांत को, और इनके संप्रदाय को स्मार्त संप्रदाय कहा गया। और ये गजब के थे, निराकार प्रभु को मानने वाले थे। तो ये शंकराचार्य का अद्वैतवाद हुआ, और ये शंकराचार्य के बाद 300 वर्षों बाद एक व्यक्ति हुआ रामानुजाचार्य। 300 वर्ष बाद यानी 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य ने एक सिद्धांत दिया, तो विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो विशिष्टाद्वैतवाद दिया, 300 वर्ष पश्चात दिया, और संप्रदाय गठित किया जिसे श्री संप्रदाय कहते हैं। और इस संप्रदाय से सबसे ज्यादा तुलसीदास ही प्रभावित नजर आते हैं, और चूंकि रामानंद के ही शिष्य परंपरा में तुलसीदास आते हैं, तो ये बात बहुत ही बढ़िया हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, माधवाचार्य की बात करते हैं। माधवाचार्य का जो सिद्धांत था उसे द्वैतवाद कहते हैं। तो अगर देखा जाए, शंकराचार्य को सबसे पहले चुनौती किसने पेश की, अद्वैत, तुरंत कहा द्वैत। तो शंकराचार्य को सीधे चुनौती अगर किसी ने दी थी तो माधवाचार्य थे, और उन्होंने द्वैतवाद की जो सिद्धांत है उसकी स्थापना करते हुए एक समाज बनाया जिसे ब्रह्म समाज कहते हैं, या ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। ब्रह्म संप्रदाय की नींव डाली कौन, माधवाचार्य ने। तो ये चार, तीन कवि आचार्य हुए। आइए चौथे आचार्य की बात करते हैं। चौथे आचार्य की बात करें तो आते हैं वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी। कहीं कहीं नाम विष्णुदास तो मिलता है, लेकिन आप घबराएंगे बिल्कुल नहीं। अब इन्होंने जो संप्रदाय बनाया उसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं, रुद्र संप्रदाय। हालांकि संप्रदाय नहीं, पहले सिद्धांत की बात कर ले। अब विष्णु स्वामी ने चौथे स्थान पर जो है, विष्णु स्वामी ने कोई सिद्धांत दिया ही नहीं, बल्कि इनका एक शिष्य हुआ जिसने शुद्धा द्वैतवाद दिया। अब इनका शिष्य वास्तव में था कौन जिसने दिया, जी हां, उन्हीं का नाम है वल्लभाचार्य।
वल्लभाचार्य का शिष्य विष्णु स्वामी के जो शिष्य वल्लभाचार्य हुआ, यही वल्लभाचार्य महोदय ने अपने गुरु के सिद्धांत निर्धारित किए और इस सिद्धांत के अंतर्गत जो संप्रदाय बना उस संप्रदाय को ही वास्तव में रुद्र संप्रदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? रुद्र संप्रदाय कहते हैं। अब ये रुद्र संप्रदाय हुआ जो कि सिद्धांत पर आधारित है, शुद्धाद्वैत पर। इसकी स्थापना किसने की? विष्णु स्वामी ने। शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत किसने दिया? वल्लभाचार्य ने। संप्रदाय किसने मनवाया, किसका था? तो विष्णु स्वामी का। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पांचवें पे आ जाए तो एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था निम्बारका, निम्बारकाचार्य। निम्बारकाचार्य ने जो सिद्धांत दिया उसे भेदाभेद, नहीं तो पहले संप्रदाय, हाँ सिद्धांत की बात करें तो भेदाभेद सिद्धांत है, भेदाभेदवाद सिद्धांत, या इसी को कह देते हैं द्वैताद्वैत वाद सिद्धांत। और जो संप्रदाय बनाया गया उस संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय कहा गया, निम्बार्क संप्रदाय कहा गया। और निम्बार्क संप्रदाय जो कहा गया इसी को सनकादिक संप्रदाय भी कहते हैं, सनकादिक संप्रदाय। तो सनकादिक संप्रदाय भी इसी को कहा जाता है जिसको हम निम्बार्क संप्रदाय कहते हैं। अच्छा अगला देखें तो हम पाते हैं चैतन्य संप्रदाय। चैतन्य स्वामी होना चाहिए था, संप्रदाय क्या? चैतन्य स्वामी ने एक संप्रदाय बनाया और उसका सिद्धांत पहले देखें तो इन्होंने सिद्धांत दिया अचिंत्य भेदा भेद, अचिंत्य भेदा भेद इन्होंने सिद्धांत दिया। और जो संप्रदाय आगे बढ़ा उसे गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? जी हां, गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं। तो ये एक पृष्ठभूमि तैयार हुई। तो ये छह आपके सामने, चौथा पांचवा और छठा, ये छह संप्रदाय आपके सामने हैं जिससे हम भक्ति का उदय ठीक ठीक मान सकते हैं कि यहां से भक्ति के उदय की शुरुआत हुई। तो आइए पहले एक समझते हैं, आप हेडिंग डालेंगे शंकराचार्य की बात करते हैं। शंकराचार्य अगर इनके समय की बात करें तो 788 यानी 788 ईस्वी से, इनका जो समय है 820 ईस्वी तक, जिसे आप यूं कह सकते हैं ईस्वी तक के समय को इनका समय माना जाता है कि भाई शंकराचार्य इस समय मौजूद थे, नवीं शताब्दी में, है ना, आठवीं शताब्दी नवीं शताब्दी के मध्य में ये मौजूद थे। चलिए आइए समझते हैं कि किया क्या इन्होंने। जी हां, बौद्ध धर्म के खंडन के लिए अद्वैतवादी चिंतन का प्रतिपादन शंकराचार्य ने किया, ठीक बात है। अब यहां समझना होगा क्या ब्रह्म एवं जीव के संबंध में अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन शंकराचार्य ने किया। मित्रों अद्वैतवाद, अभी इसको समझना होगा क्या, जी हां, शंकराचार्य ने निराकार
ब्रह्म की उपासना करते हुए समाज में व्याप्त बाह्य आडंबरों बाह्य आडंबरों पर कुठाराघात भी किए साथ ही उन्होंने यह बतलाया कि आत्मा अजर और अमर है। आत्मा अजर और अमर है, जिसे किसी भी प्रकार से हानि या लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता, जिसे किसी भी प्रकार से हानि या लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता, अर्थात वह सात्वत है। ये सारे गुण परमात्मा के हैं, जिससे अस्पष्ट होता है कि आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। अतः दोनों अलग अलग न होकर एक ही हैं, इसलिए इनके संप्रदाय के सिद्धांत को अद्वैत कहा गया। ये बात समझिएगा, अद्वैत क्यों कहा गया, तो जरा समझेंगे कि अद्वैत इसलिए कहा गया क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, दोनों के जो सार हैं, दोनों के जो गुण हैं सेम हैं। तो आत्मा परमात्मा जब दोनों के गुण सेम हैं तो डेफिनेट है कि अद्वैत ही होगा। जैसे आत्मा नहीं गल सकती, परमात्मा भी की हानि हो लाभ नहीं होता, वह गुण हानि लाभ आत्मा की भी नहीं होती। शरीर मरती है, शरीर झूठती है, लेकिन आत्मा तो शाश्वत है। तो आत्मा परमात्मा फिर दो कहां, जैसे पानी का एक बूंद और पूरा पानी, पानी अलग है तो एक बूंद है, वैसे ही आत्मा से अलग है, परमात्मा से अलग है जो वह आत्मा है, लेकिन है तो एक ही पानी, फिर मिल जाएगा। तो ये है आपका अद्वैतवाद। अगर आप चाहें तो कह सकते हैं कि आगे जितने भी आचार्य हुए वे शंकराचार्य के सिद्धांत को आधार बना कर अपने संप्रदाय स्थापित किए। बात समझिएगा,
अब जितने भी जन्मेंगे तो दूसरा कौन होगा भाई? जी हाँ, रामानुजाचार्य। एक ग्यारहवीं शताब्दी का ये बहादुर 1017 ईस्वी से 1137 ईस्वी तक के समय को जो है इनका पीरियड माना गया, इनका टाइम माना गया है। यानी ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी में ये आकर रामानुजाचार्य एक अलग से संप्रदाय देते हैं जिसे सिख संप्रदाय, और एक नया सिद्धांत देते हैं जिसे शुद्धा विशिष्ट अद्वैतवाद कहते हैं। तो अब यहां तक बातें समझ में आई कि नहीं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय हिंदी।